जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। कंटिन्यू करते हैं डियर, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी की वैकेंसी की। हम जानेंगे कि भाई टोटल कितनी वैकेंसी आई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और भाई कहाँ कहाँ पर हमारी पोस्टिंग हो सकती है, और फीस कितनी है फॉर्म भरने की। शुरू करते हैं आज के जो एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन आया उसके बारे में बात करते हैं। डियर पहले टोटल पोस्ट सभी को होगा ना कि भाई कितनी टोटल पोस्ट आई है, तो भाई भरपूर एकदम मस्त पोस्ट आई है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है। टोटल जो पोस्ट है वो आई है 26,146। कितनी? 26,146 पोस्ट आई है। अब बात करते हैं भाई स्टार्ट डेट कब से है, जो फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट है कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, तो भाई 24 नवंबर सन 2023 से आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर आपको होगा कि मैम कब तक भर सकते हैं, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे भाई 31 दिसंबर तक। कब तक भाई? 31 दिसंबर सन 2023 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम एग्जाम कब है, एडमिट कार्ड कब आएंगे अपने, कितना टाइम मिलेगा हमें तैयारी के लिए, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे एडमिट कार्ड आएगा भाई फरवरी सन 2024 को। कब? फरवरी सन 2024 में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। फिर पेपर कब होगा? पेपर होगा भाई फरवरी मार्च में, या मार्च के स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं भाई, सबको ये होता है कि मैम ये सब तो हमने जान लिया कि भाई फॉर्म कब से आए हैं, हम कब तक भर सकते हैं, और भाई एग्जाम कब होगा, ये सब जान लिया। आप हमें ये बताइए, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार होता है, पैसे कितने मिलेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी। तो भाई सभी बच्चे ध्यान देंगे, काफी अच्छी सैलरी है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, मेल फीमेल के लिए कितनी सैलरी है ध्यान देंगे सभी भाई। 21,700 से स्टार्ट है जो पे स्केल है, और आपका 69,000 तक आपकी सैलरी आराम से बन जाएगी। ठीक है, और ये मतलब जैसे ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें अलग मिलती है, फिर जब आप पोस्टिंग पे जाते हैं तो अलग मिलती है, और स्टेट के हिसाब से भी ये घटती बढ़ती है। ये आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा ना तब तो पता चली जाएगा। ठीक है, लेकिन अच्छी खासी सैलरी है। बात करते हैं भाई एप्लीकेशन फॉर्म की, कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म है जो ये एसएससी जीडी का, ये कितने रुपए में हमारा भरा जाएगा ऑनलाइन फॉर्म। तो ज्यादा फीस भी नहीं है, सभी बच्चे भर सकते हैं। जनरल ओबीसी के लिए भाई 100 रुपए है, जनरल ओबीसी जो कैटेगरी है उनके लिए 100 रुपए है। बात करते हैं एससी एसटी फीमेल, भाई सब आराम से फॉर्म भर देना, एससी एसटी जो है उनके लिए कोई फीस नहीं है, और सभी फीमेल जो गर्ल्स है उनके लिए भी भाई कोई फीस नहीं है। तो सभी गर्ल्स से रिक्वेस्ट करूंगी सभी को फॉर्म भर देना है, एग्जाम देके तो देखना है। ठीक है, क्या पता सिलेक्शन ही हो जाए, फिर मुझे मिठाई खिलाने आना। ठीक है, चलिए जॉब लोकेशन की बात करें तो डियर आप सभी को ध्यान में रखना है, ऑल इंडिया जॉब लोकेशन है। क्या भाई? आपको इंडिया में कहीं पर भी जॉब लोकेशन मिल सकती है, कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, मतलब 28 स्टेट में आपकी कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट घूमने का मजा भी कुछ और ही होता है। बात करते हैं एज लिमिट की, तो भाई एज लिमिट कब से काउंट होगी? 1 जनवरी से काउंट होगी, 1 जनवरी सन 2024 से आपकी एज लिमिट काउंट होगी। अब कितनी एज लिमिट है ये भी पता होना चाहिए। अगर आप 18 साल के हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 18 साल, मतलब 17 साल है तो भी नहीं भर सकते, 18 साल के तो फॉर्म भर देना। और भाई 23 साल तक अगर आप हैं तो, मतलब मैक्सिमम क्या है ध्यान देंगे, मिनिमम तो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी है ये 23 साल है। फिर भाई बात करते हैं रिलैक्सेशन भी तो है, तो घबराना नहीं है, एससी एसटी के लिए जो रिलैक्सेशन है उसकी भी हम बात करते हैं कि एज में छूट कितनी मिलेगी। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे भाई, मिनिमम एज जैसे मैंने बात करी 18 है, मैक्सिमम कितनी है 23 इयर्स है। एज रिलैक्सेशन ओबीसी को मिलेंगे भाई 3 साल, 3 साल की छूट मिलेगी ओबीसी वालों को, और एससी एसटी की बात करें तो भाई 5 साल की छूट है, तो आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे नहीं सोचना 23 साल के हो गए एससी एसटी वाले तो फॉर्म नहीं भर सकते, आपको 5 साल की छूट मिलेगी, तो आप फॉर्म भर देना आराम से। बात करते हैं भाई पोस्ट नेम का, कि मैम कौन कौन सी पोस्ट है वो भी तो पता होनी चाहिए एसएससी जीडी में, तो आप सभी ध्यान देंगे भाई बीएसएफ की। क्या भाई? बीएसएफ की पोस्ट है, सीआईएसएफ की पोस्ट है, सीआरपीएफ की पोस्ट है, एसएसबी की पोस्ट है, आईटीबीपी की पोस्ट है, एसएसएफ कांस्टेबल की पोस्ट है। ठीक है, ये सारी पोस्ट है, आपको पोस्ट बहुत आराम से चुननी है। जैसे आप पहले प्रेफरेंस पे क्या रखते हैं, सेकंड पे क्या रखते हैं, थर्ड पे, अगर आप इस पे डिटेल और वीडियो चाहेंगे ना तो मैं बना दूंगी। बहुत आराम से आपको फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि गलती होगी ना फिर मैं आगे बताऊंगी कि करेक्शन के कितने पैसे लगेंगे, तो आप सभी को अंत तक वीडियो में जुड़े रहना है। अब देखिए, अब बात करते हैं भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, मैम कितने हमें कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए ये फॉर्म भरने के लिए। तो भाई ज्यादा नहीं है, अगर आप 10th पास है ना, और इसमें मार्क्स भी मैटर नहीं करता, बस आपको क्या चाहिए, आपने 10वीं की होनी चाहिए। ठीक है, 10वीं पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं कि भाई एनसीसी, अगर आपने एनसीसी की है
तो भाई तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए कैसे बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है ये, ठीक है। एक एक नंबर की फाइट होती है, 0.24 से भी सिलेक्शन रुके हैं बच्चों के, तो इसमें बहुत ज्यादा एनसीसी वालों को फायदा मिला है। आपकी मैम एनसीसी से ही है तो भाई हम भी फायदा उठा ही लेंगे। देखिए एनसीसी कैटेगरी की बात करें तो भाई सर्टिफिकेट कैटेगरी और बोनस मार्क, एनसीसी जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसको कितना मिलेगा भाई, 5% की छूट मिले, मतलब 5% उसमें ऐड हो जाएगा। 5% का मतलब कितना है कि भाई 8 नंबर मिल जाएंगे एनसीसी कैडेट को, ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करती हूँ, डियर मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन होने वाली है और चार्जर मेरे भाई ऑफिस लेके गए, फटाफट से बता देती हूँ जितनी जानकारी है। बी वालों को 3% और एनसीसी ए वालों को मिलेगा 2%। देन अगर हम बात करें करेक्शन की, जो मैं बात कर रही थी कि अगर आप फॉर्म को गलत कर देते हैं तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो भाई 200 रुपए करेक्शन फॉर्म के देने पड़ेंगे। अगर फिर से गलती होती है, फिर से आप चीजों को ठीक करते हैं तो 500 रुपए देने पड़ेंगे, तो फॉर्म को आपको आराम से भरना है। आगे की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी, तो सभी को मेरी नेक्स्ट पार्ट 2 भी देखना, उसमें सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।